बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं। लाचार माता का शब्द था अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस भी किया था, आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊंगा तब पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है। और हाँ, यदि दीदी पैसा लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने वाले थे, लेकिन कुछ महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ। मम्मी कुछ बोले उससे पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित वो अच्छी तरह समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय निश्चित किया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार बताइए। मोहन ने जल्द से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है, ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों को सो जाने के बाद वह भी सो जाती है, लगभग रोज 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं और दोपहर स्कूल में आकर खाना खाकर फिर वापस घर जाता हूं। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूं, रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूं, लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उनका कामकाज में औसत सबसे कम मोहन का नजर आ रहा था। पहले सवाल का जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। दूसरा प्रश्न, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है। जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है, मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं, कुल आमदनी 15,000। प्रश्न तीसरा, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के 1 सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। प्रश्न चौथा, 1 किलो आलू और 1 किलो भिंडी की अभी की कीमत क्या है, 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे लेक्ष मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो वो मना कर देता था। प्रश्न पांचवा, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो। जवाब, हां, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है, यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है, कभी मैं बगैर खाने खाया उठ जाता हूं। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है।
एक दिन मैंने गलती से मम्मी को सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया। फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसे क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम दो सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें? मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ने की कोशिश की और प्रश्न ये था, अपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने दो दिन से घर में खाना नहीं खाया था। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये जिद थी मेरी। और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूं। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब दिया। प्रश्न सातवां, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम गॉगल्स लेता हूं या अपने दोस्तों को छोटी मोटी पार्टियां में खर्च कर देता हूं। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं, वो खुद कमाती है और पगार के पैसे में मम्मी को आर्थिक मदद भी करती है। उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस है। प्रश्न आठवां, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब दिया। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपने जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतर आत्मा से आवाज आई, अरे मोहन, तुम खुद अपने पारिवारिक भूमिका का योगदान सही रूप से नहीं निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आई कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नौवां, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट को के प्रॉमिस तोड़ते और बिखरते देखे हैं, पर वह हमेशा मेरी मदद करते रहे। फिर भी हालांकि इस डांट के बाद भी वह प्रेम और वात्सल्य बनाए रखते हैं मेरे साथ। प्रश्न दसवां, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार की मदद कर पाएंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाए, तब भी वह कुछ भी नहीं लिख पाया। अनुत्तर दसवां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया ये ले 8,000 रुपए, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे दे दिए। कहां से लाए ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहां काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे ना कि पैसे नहीं दोगे तो घर नहीं आओगे। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार का मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूं। तुम्हें लाडले हो, पापा को
पैर की तकलीफ है और फिर भी तेरे बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरे बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है, कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे वो और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं, है ना? मेरे हाथ में पैसा थमा कर दीदी घर की ओर चल निकली, अच्छे से चमका कर लाया था। मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं मगर मैं तुम्हें 8,000 में दे रहा हूं। मोहन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की हालत में नहीं दिखाई देती है। और वो सीधा भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसे लिखा है पेपर? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। तब मोहन का जवाब था, सर यह कोई पेपर नहीं था, यह तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु यह जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर के चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए थे और कहा, सॉरी मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे, और मम्मी आज मैं मेरी पहली कमाई शुरू करके आता हूं, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन लाना, रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव से आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा सुबह को कहकर तुम गए तो थे, बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई भी थी और इसलिए वह दुखी हो गए थे, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता है लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पीसने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उस समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वह प्रैक्टिकल जीवन में देकर मुझे बहुत खुशी हुई। सर आप और यहां? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारे पेपर पढ़ा, इसीलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। तब बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा।